अब ट्रांसलेशन वर्क जो हो रहे थे अकबर के टाइम पीरियड में, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही था, एक अलग इंस्टीट्यूशन था, मकतब खाना। मकतब खाना से आप समझिए हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। बहुत सारे ट्रांसलेशन वर्क्स हो रहे हैं इस दौरान, और फॉर एग्जाम्पल रामायण का ट्रांसलेशन हो रहा है संस्कृत से पर्शियन में, अब्दुल कादिर बदामिनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। लीलावती मैंने डिस्कस किया, फैजी, ठीक है। अथर्ववेद, सर रामायण किस हाजी, लैंग्वेज में लिखी गई है? सारे पर्शियन में हो रहे हैं। सारी बुक्स जो हैं यहाँ पे, जो इस साइड लिखा है वो संस्कृत है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है पर्शियन में। ओके सर, हाजी इब्राहिम सर हिंदी। आप स्कॉलर्स का नाम याद रखिए, वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। महाभारत, देखिए महाभारत बहुत ही वॉल्यूमिनस है, तो कोई एक स्कॉलर एसोसिएटेड नहीं है इससे। इनफैक्ट आप अबुल फजल का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका अबुल फजल ने ही लिखा है। फैजी भी एसोसिएटेड है, और भी दूसरे बहुत सारे लोग मिलके इसको कर रहे हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन महाभारत का जो इन्होंने नाम दिया था रज्मनामा, है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि रज्मनामा जो है ये किसका ट्रांसलेशन है, रज्मनामा जो है ये किसका ट्रांसलेशन है। तो रज्मनामा महाभारत का ट्रांसलेशन है। रज्मनामा का मतलब है बुक ऑफ वॉर, बुक ऑफ वॉर। ये एक एस्पेक्ट जो है आप अपने जहन में रखिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र है, पंचतंत्र को भी फैजी कर रहा है। भागवत गीता है, तो भागवत गीता तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने किए हैं, फैजी ने भी किया है, अबुल फजल ने भी किया है, दारा शिकोह ने भी किया है, तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, उनमें नहीं जाना है। इतने नाम आप एटलीस्ट अपने जहन में याद रखिएगा, है ना। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, देयर वॉज अ हाउस ऑफ पेंटिंग। मुगल पेंटिंग काफी फेमस है, तो मुगल पेंटिंग को भी हम ब्रीफली देख लेते हैं। मुगल पेंटिंग का एक बैकग्राउंड है। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है ही फ्लीज टू पर्शिया, पर्शिया जाता है, और पर्शिया से हेल्प लेकर वापस वो इंडिया आता है। तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स उसके साथ दो पेंटर्स आते हैं, उसके साथ दो पेंटर्स आते हैं हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग। तो जो मुगल पेंटिंग का फाउंडेशन है, ऑल्दो वो हुमायूं के पीरियड में ही पड़ गया था, बट इसको पैट्रोनेज या मेजर सपोर्ट जो मिल रहा है वो किसके पीरियड में मिल रहा है, अकबर के पीरियड में। तो मुगल पेंटिंग से रिलेटेड पहली चीज जो आप जहन में रखिएगा वो ये कि मुगल पेंटिंग के ऊपर दो कल्चर्स का इंफ्लुएंस है ना। पहला है आपका राजस्थानी, दूसरा है आपका पर्शियन। तो राजस्थानी पेंटिंग का असर क्या है, ये क्लियर है आपको, क्योंकि राजपूत के साथ इनके रिलेशनशिप थे, तो जाहिर सी बात है उनका कल्चर भी यहां इन्फ्लुएंस कर रहा था, राजस्थान में इनके रिलेशनशिप थे। प्लस पर्शियन, क्योंकि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं मुगल पेंटिंग के, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, खास करके जो इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुमायूं के साथ आए थे, अब्दुस समद एंड मीर सैयद अली, है ना, ये दोनों ही पर्शियंस हैं, है ना, पर्शिया से आए थे हुमायूं के साथ, और इन्होंने ही मुगल पेंटिंग की नींव रखी। बाकी अकबर के टाइम पे भी बहुत सारे पेंटर्स ने ज्वाइन किया इनको, फॉर एग्जांपल दसवंत एंड दसवंत एंड बसवन। सो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ दी, यू नो, दे डेवलप्ड मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो
हालांकि मुगल पेंटिंग का जो जेनिथ है, जो पीक है, वो जहांगीर के पीरियड में होता है. इनफैक्ट कुछ स्कॉलर जहांगीर के पीरियड को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, है ना. जहांगीर का पेंटिंग से काफी लगाव था, बट उसका फाउंडेशन जो एक बैकग्राउंड बन रहा है वो कहीं ना कहीं हुमायूं और अकबर के पीरियड में ही बन रहा है. तो अकबर से रिलेटेड ये चार पेंटर्स का नाम तो आप जहन में जरूर रखिएगा, और ये दो याद रखिएगा कि ये हुमायूं के साथ आए थे पर्शिया से, अब्दुल समद और मीर सैयद अली. ये लीड पेंटर्स हैं, हेड पेंटर्स हैं मुगल पेंटिंग के. इसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है? राजस्थानी और पर्शियन का. अब मुगल पेंटिंग की एक खास एलिमेंट है मिनिएचर पेंटिंग. मिनिएचर पेंटिंग, अब ये मिनिएचर पेंटिंग क्या है? आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, किसी बहुत बड़े सीन को छोटे से स्पेस में डिपिक्ट करना, है ना. फॉर एग्जांपल बैटल हो रहा है, पूरे बैटल फील्ड को एक 2x2 के स्पेस में शो कर देना, डिपिक्ट कर देना. मिनी का मतलब होता है छोटा, है ना. तो छोटे स्पेस में किसी पेंटिंग को अगर डिपिक्ट करते हैं तो उसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं. आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, वहां पे आपको कई सारे मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे. तो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग. और ये मिनिएचर पेंटिंग ज्यादातर ये जो ट्रांसलेशन हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल महाभारत का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उसमें इन मिनिएचर पेंटिंग का यूज हो रहा है सीन्स को दिखाने के लिए, है ना. ये बसावन और दसवंत ये दोनों ही एक्सपर्ट हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के. किसी सीन को शो करना है, लड़ाई का कोई सीन हो रहा है या किसी ऐसे सीन को शो करना है, तो वो मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू शो करते हैं. तो टेक्स्ट भी है और साथ में उसकी पेंटिंग भी है, उस पर्टिकुलर सीन की पेंटिंग भी है. आई इंकरेज यू टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी और आप ये देखिए. अगर ये पॉसिबल होता तो मैं आप लोगों को दिखाता, काफी इंटरेस्टिंग है ये. तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज योर मुगल पेंटिंग्स आर कंसर्न. ठीक है.